Hello dear investor, welcome back. This side Himanshu, associate financial planner. आज मैं आपको Edelweiss की ऐप के थ्रू फ्यूचर एंड ऑप्शन के रिगार्डिंग नॉलेज भी दूंगी और इसको किस तरह से यूज़ करते हैं वो भी बताऊंगी। तो ये जो हमारा प्रॉपर रहेगा वीडियो फ्यूचर एंड ऑप्शन के ऊपर रहेगा। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम फ्यूचर। हम फ्यूचर से स्टार्ट करते हैं। जिस तरह से इक्विटी शेयर्स होते हैं, जैसे आप वॉच लिस्ट में जा रहे हैं, आप ये सब देख पा रहे हैं कि ये शेयर्स लगे हुए हैं। मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। हमने ये लास्ट वीडियो में बनाया था नया वॉच लिस्ट ABC के नेम से। इसमें जो मैंने ये लगा रखे हैं, रिलायंस का शेयर लगा हुआ है, 1038.80 रुपये चल रहा है। PC ज्वेलर का शेयर लगा हुआ है, 129.00 इसका प्राइस चल रहा है। आप इसे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ NSE मेंशन है, दैट मीन्स कि ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का लगा हुआ है। ओपन हाई, प्रीवियस क्लोजिंग, बिड प्राइस, आस्क प्राइस सब कुछ यहाँ पर मेंशन दिखा रहा है। आज हम बात करेंगे शेयर्स की। हमने बात की है शेयर्स क्या होते हैं, आपने देख लिया किस तरह से हम इसको लगाते हैं। यहाँ पर जाकर आप इक्विटी सिलेक्ट है, यहाँ पर कोई भी शेयर ITC लगाना है, NSE सिलेक्ट कीजिए, डन कीजिए, आपका शेयर ऐड हो जाएगा। अभी जो हम इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात करेंगे फ्यूचर की। व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूचर? फ्यूचर क्या होता है? इन्वेस्टर, आपको पता है कि आप शेयर्स की बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं, बट बाइंग को आप होल्ड करके रख सकते हैं फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, लॉन्ग टर्म और फॉर इंट्राडे, कितने भी समय के लिए। बट सेलिंग शेयर की आप सिर्फ इंट्राडे में ही कर सकते हैं, आप से किसी भी शेयर को सेल करके नहीं रख सकते हैं। अगर आपको न्यूज़ है कि आपका ये शेयर है, जैसे PC ज्वेलर है या कोई भी ITC लगा लीजिए या रिलायंस है, विद इन 5 डेज ये नीचे गिरने वाला है, कोई फंडामेंटल न्यूज़ है सपोज, तो आप इसको सेल नहीं कर सकते। क्योंकि सेल अगर आपको करना है तो इंट्राडे में, मतलब ऑन द सेम ट्रेडिंग डे आपको कवर करना है, वरना जो आपका सेलिंग है वो ऑक्शन में चला जाता है, वो कंपनी की तरफ से ऑटोमेटिकली सेल होता है। तो अगर आपको सेल करना है तो आप कैसे करेंगे, दिस इज़ द मेन पॉइंट। तो वो सेलिंग जो हम करते हैं वो हम फ्यूचर सेल करते हैं। फ्यूचर बेसिकली किसी भी शेयर का फ्यूचर, जो फ्यूचर का फ्यूचर होता है शेयर का, वो पर्टिकुलरली एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स का लॉट होते हैं। जैसे आपने ये रिलायंस देखा है, तो रिलायंस का ये सिंगल शेयर का प्राइस है, उसमें लॉट्स होंगे, वो लॉट के अकॉर्डिंग परचेज किया जाता है और लॉट के अकॉर्डिंग सेल किया जाता है। फ्यूचर की एक पर्टिकुलर एक्सपायरी होती है, एवरी मंथ लास्ट थर्सडे को फ्यूचर एक्सपायर हो जाता है। बट फ्यूचर में एक पॉसिबिलिटी है कि फ्यूचर को आप एक्सपायर डे पे रोल ओवर कर सकते हैं। रोल ओवर दैट मीन्स आपने एक फ्यूचर बाय किया हुआ है जुलाई मंथ का, जुलाई मंथ के फ्यूचर की एक्सपायरी 26 जुलाई को है, जो कि लास्ट थर्सडे ऑफ जुलाई है, तो आप उस दिन उस फ्यूचर को सेल करके नेक्स्ट फ्यूचर अगस्त वाला बाय कर लेंगे। इन्वेस्टर, रोल ओवर के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आपको गैपिंग प्रॉफिट मिल जाता है। क्यों गैपिंग प्रॉफिट? इन द सेंस कि प्राइस में जो डिफरेंस होता है वो गैप आपको एज अ प्रॉफिट मिल जाता है, रेयर चांस ऑफ लॉस होता है उसके अंदर। अब मैं आपको बताती हूँ फ्यूचर आपको स्क्रीन पर लगाना कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज सेम, आप ऐड बटन पे जाएंगे, यहाँ इक्विटी की जगह आप देख रहे हैं, यहाँ पे दिखा रहा है इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर। आप इंडेक्स फ्यूचर अगर देखते हैं तो इसमें बैंक निफ्टी, निफ्टी जितने भी इंडेक्सेस हैं उनके फ्यूचर आते हैं। सपोज़ मैं निफ्टी का फ्यूचर लगाती हूँ 26 जुलाई का, सबमिट किया, 26 जुलाई का निफ्टी का फ्यूचर लगाना है मुझे, आईटी का नहीं, निफ्टी सिलेक्ट किया मैंने, डन किया मैंने, ओके किया, तो यहाँ पर मेरा निफ्टी, आईटी और निफ्टी का फ्यूचर लग चुका है। आप देखेंगे आज निफ्टी का फ्यूचर 10,937.50 रुपीज़ पे चल रहा था, जबकि निफ्टी जो चल रही है 10,948 रुपीज़ पे चल रही है।
जो फ्यूचर है वो डिस्काउंट रेट पे मिल रहा है आपको। अब आप देख सकते हैं फ्यूचर आपको यहाँ पर NFO शो हो रहा है, NFO नेसी फ्यूचर ऑप्शन, और शेयर में NSE शो हो रहा है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE की स्क्रिप्ट लगाएंगे तो BSE शो होगा। जैसे अब ये फ्यूचर है, फ्यूचर में ओपन है, हाई है, प्रीवियस क्लोज, लो, बिड प्राइस, आस्क प्राइस, ऐसे अमेजन शेयर्स। इसके अंदर आपको लॉट साइज़ देखना है, तो निफ्टी का जो लॉट साइज़ रहता है बेसिकली 75 शेयर्स का रहता है। अगर आप इसमें ट्रेडिंग में जाते हैं, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी फ्यूचर ट्रेडिंग में क्वांटिटी में 75 दिखा रहा है। आपको दो फ्यूचर लेने हैं, प्लस कीजिए 150 आ जाएगी। ये 75 के मल्टीपल्स में ही इंक्रीज़ होगा और 75 के मल्टीपल में ही डिक्रीज़ होगा। मिनिमम क्वांटिटी 75 शेयर्स का लॉट है ये निफ्टी का। तो आप जो इसको बाय कर रहे हैं, इसकी टोटल जो वर्थ रहेगी 10,937 इंटू में 75 रहेगी। और मोस्टली कंपनीज लिमिट भी प्रोवाइड करती हैं, तो 10 टाइम्स इसका 10% मार्जिन में आप इसको बाय कर सकते हैं। फ्यूचर को बाय करने के लिए 10% मार्जिन होना चाहिए एटलीस्ट, बट ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। इस तरह से फ्रेंड्स आप फ्यूचर में बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं। ये हमने स्टॉक का इंडेक्स का फ्यूचर बताया। अगर हमें स्टॉक का फ्यूचर लगाना है, हम स्टॉक फ्यूचर पे जाएंगे। एक्सपायरी सिलेक्ट करने से पहले हमें पहले फ्यूचर का लगाना है। सपोज़ ITC का फ्यूचर है, ITC सिलेक्ट करेंगे, सबमिट करेंगे। सॉरी, ये शायद हम ट्रेड वॉच लिस्ट में लगाना है हमें। हम ऐड पे जाएंगे, ITC के फ्यूचर को डन करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ ITC का फ्यूचर ऐड हो गया है। ITC का फ्यूचर देख रहे हैं आप, 276.25 चल रहा है एंड शेयर प्राइस 275.75। तो जो फ्यूचर चल रहा है वो प्रीमियम पे चल रहा है। आप देखेंगे इसको, अगर आप ट्रेड में जाकर ITC का लॉट साइज चेक करेंगे तो 2400 शेयर्स का ये लॉट साइज़ है। तो लगभग ये आपकी 5-5.5 लाख की इन्वेस्टमेंट होगी। इसको आप 10% मार्जिन पे बाय या सेल कर सकते हैं। तो फ्री इसको हम नॉर्मल में और इंट्राडे दो टाइप से कर सकते हैं, फ्यूचर को हम बाय और सेल। इसमें अदर ऑप्शन जो है वो अवेलेबल, मार्जिन ट्रेडिंग अवेलेबल नहीं होती है। तो ये फ्रेंड्स कॉन्सेप्ट था फ्यूचर का। इसके अलावा जो रहता है फ्यूचर एंड ऑप्शन, ये दोनों डेरिवेटिव्स के पार्ट होते हैं। तो ऑप्शन बात करते हैं हम। ऑप्शन आर बेसिकली, वैसे मैं बेसिकली ऑप्शन पे एक अलग से वीडियो देने वाली हूँ, बट थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगी इस वीडियो में ऑप्शन के लिए आपको। ऑप्शन में, ऑप्शन जो होता है, ऑप्शन इज जस्ट लाइक आपने कोई भी शेयर का लॉट, फ्यूचर का लॉट प्रीमियम दे के बाय कर लिया। जैसे कि फ्यूचर मैंने अभी बताया था, ITC का फ्यूचर है 276.25 इंटू 2400 करेंगे तो ये लगभग 5.5 से 6 लाख के बीच में इन्वेस्टमेंट बैठेगी हमारी। तो इसको हमें 50,000 दे के पे करना है। बट अगर मैं ऑप्शन की बात करूँ, ऑप्शन जो है इन सिंपल लैंग्वेज इज जस्ट लाइक आपने बयाना दिया एंड प्रॉपर्टी बुक कर ली। अगर आपको लग रहा है प्रॉपर्टी बढ़ने वाली है तो आप उस प्रॉपर्टी को बाय कर लेंगे, अदरवाइज आप उसको छोड़ देंगे। तो ऑप्शन इज बेसिकली इन सिंपल लैंग्वेज कि आपने बयाना देकर फ्यूचर का पूरा लॉट बाय कर लिया। मैं आपको इसको एग्जांपल देके बता देती हूँ। आपने पहले ऑप्शन की एक स्क्रिप्ट लगा लेते हैं, हम इंडेक्स ऑप्शन में गए, निफ्टी में गए, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हम तब खरीदते हैं जब हमें लगे कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, और पुट ऑप्शन हम तब खरीदते हैं जब हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। कॉल ऑप्शन के केस में मार्केट जितना ऊपर जाएगी हमें उतना प्रॉफिट है, और पुट ऑप्शन के केस में मार्केट जितना नीचे जाएगी, हमारा शेयर जितना नीचे जाएगा हमें उतना प्रॉफिट है। तो कॉल ऑप्शन लगा रहे हैं हम निफ्टी का। तो निफ्टी का प्राइस जो चल रहा था फ्रेंड्स, पहले हम वो चेक कर लेंगे कि हमें कितने निफ्टी 10,948 चल रहा है, तो हम कॉल ऑप्शन कौन सी लगाएं। तो हमें कॉल ऑप्शन हम तब लगा रहे हैं जब हमें लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जाने वाली है। तो 10,948 चल रहा है, तो हम इसमें
11,000 की निफ्टी की कॉल ऑप्शन बाय कर लेंगे। लगा देते हैं हम 11,000 की, 11,000 की निफ्टी की ऑप्शन आ रही है 65.30। अगर हम निफ्टी का फ्यूचर लेते हैं तो 10,000 × 75, मतलब लगभग 7.5 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट है। बट अगर हम सेम कॉल ले लेते हैं उसकी, तो कॉल ऑप्शन इज 65 × 75, लगभग 42 के आसपास का इन्वेस्टमेंट रहेगा आपका, 4200 के आसपास का। तो इस केस में हमने 4200 पे करके एक फ्यूचर के जितना इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर के जितना हमने खरीद लिया, निफ्टी खरीद लिया, एक निफ्टी हमने खरीद लिया, तो जितना ही जिस तरह से फ्यूचर में प्रॉफिट है, एक रुपये ऊपर जाने पे 75 रुपीज़ का प्रॉफिट है, उसी तरह से कॉल का भी एक रुपये ऊपर जाने पे 75 रुपीज़ का ही प्रॉफिट है। इसका भी जो लॉट रहता है वो 75 रुपीज़ का ही फ्यूचर की तरह ही रहता है। फ्यूचर और ऑप्शन दोनों का लॉट साइज़ बिल्कुल सेम रहता है। इसी तरह से अगर हमें लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाली है, तो हम इंडेक्स ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, निफ्टी सेलेक्ट करेंगे, पुट ऑप्शन बाय कर लेंगे। निफ्टी 10,948 चल रहा है, तो हम निफ्टी की 10,900 वाली पुट खरीद लेंगे। 10,900 वाली पुट लगा लेते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि हमें लग रहा है निफ्टी नीचे जाएगी, 900 टच करेगी, इसलिए हम 900 वाली पुट 86 रुपीज़ पे चल रही है। आज निफ्टी नेगेटिव गई तो देखिए ये 5 रुपीज़ प्लस भी हुई है। तो इसमें निफ्टी जितना नीचे जाएगी, 900 की तरफ जितना नीचे जाएगी, उतना ही हमारी पुट ऊपर जाएगी। तो ऑप्शन इस तरह से चलते हैं, कॉल और पुट एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं फ्रेंड्स। फर्दर आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऑप्शन पे एक मैं पर्टिकुलर वीडियो देने जाऊंगी, नेक्स्ट वीडियो हमारी पर्टिकुलरली ऑप्शन पे रहेगी। अगर आपके पास कोई पर्सनल क्वेरी है तो प्लीज़ उसको रिव्यू में डालिए। थैंक यू।